हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है वर्ल्ड फूड डे के बारे में। तो वर्ल्ड फूड डे वो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बेसिकली इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी 1945 में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये हमें फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड फूड डे का मेन मोटो क्या है। देखो, हम एक चीज जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट सेकंड है उसमें हमें भूखमरी से निपटने के लिए फोकस करना है। मतलब बेसिकली हमारा प्लान ये है कि 2030 तक भूखमरी से हमें कम्प्लीटली निपटना है। जीरो हंगर की तरफ हमारा फोकस करने का प्रावधान है टिल 2030। तो उसी को बेसिकली और ज्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए वर्ल्ड फूड डे वो बहुत ज्यादा काम है वो कर रहा है। तो एक तरीके से होता क्या है कि इस दिन जो भी मतलब ग्लोबल हंगर होती है इसके बारे में लोगों से बातें वगैरह की जाती हैं। इसके साथ ही अवेयरनेस लोगों में वो क्रिएट की जाती है कि फूड सिक्योरिटी भी अहम हो जाती है और जो हंगर चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर हमें यूज करनी है। अलग अलग कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे आती हैं। अलग अलग जो आप बोल सकते हो कंट्रीज हैं वो से अपने जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाती हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप उठाए हैं, ये नई प्रोसीजर्स हैं वो यूज की जा सकती हैं। इसके साथ ही मेन बात हम कहें तो जो हंगर है, भूखमरी है, इसे निपटने के लिए बेसिकली इस दिन स्टेप उठाने की तरफ फोकस है वो किया जाता है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में, ध्यान रखना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में भूखमरी को 2030 तक हमें कम्प्लीटली रूप से खत्म करना है और उसी की तरफ वर्ल्ड फूड डे वो काफी अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे सामने लेके आते हैं। अब हम बात करें इसकी इस बार की थीम की। तो देखो, वर्ल्ड फूड डे उसकी इस बार की थीम थी वो थी ओवर एक्शंस आर ओवर फ्यूचर ए जीरो हंगर वर्ल्ड बाई 2030 पॉसिबल। मतलब 2030 तक हमें एट एनी कॉस्ट बड़ी मेहनत करके जीरो हंगर की तरफ फोकस है वो करना है ताकि पूरे विश्व में कहीं भी भूखमरी नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा हो और फूड सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथ है वो करता है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि FAO। देखो, FAO है वो आपको पता है कि UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। आप ये बताइए कि UN की टोटल कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं और बेसिकली हम बात करें यहाँ पे FAO के बारे में तो यह है, इसकी पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNESC, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। UN के देखो मेन 6 ऑर्गन है, उन 6 ऑर्गन में से यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी UNESC है, बेसिकली उसके अंडर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो आता है। हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो इटली के रोम में है। इसका काम ये है कि बेसिकली भूखमरी है, हंगर है, उससे निपटने के लिए बेसिकली डील है वो करता है। क्योंकि देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमने देखा किस तरीके से लोगों को मतलब जान मान की हाली हुई थी और इन लोगों के पास खाने को भी पर्याप्त साधन नहीं थे। तो उसी दौरान बेसिकली FAO है वो बनाया गया ताकि भाई भूखमरी है, जीरो हंगर है, इन चीजों की तरफ फोकस किया जा सके और उसके लिए अभी तक उन्होंने काफी अच्छा काम है वो किया है। इसी के साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में पॉलिसी डिबेट है उनको लेके काम करता है, आपस में एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करवाने में हेल्प करता है और जो फूड सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए जो कंट्रीज हैं उनको हेल्प है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर जो भी उनके पास डाटा चाहिए पॉलिसी रिलेटेड कुछ भी वो उनको प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि जीरो हंगर की तरफ ध्यान जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भूखमरी से निपटने के लिए और जीरो हंगर हो गई या हम बोल सकते हैं कि मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं से दूर करने में काफ़ी हेल्प है वो हमें मिलेगी। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने के लिए फोकस करता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो काम है वो बेसिकली करता है और फूड सिक्योरिटी की तरफ भी फोकस है वो करता है। तो हमने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है पोस्को एक्ट के बारे में। देखो, पोस्को एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। बेसिकली ये एक्ट है वो 2012 में आया था। अब क्या है इस एक्ट में और अभी ये न्यूज में क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पोस्को एक्ट है वो बनाया क्यों गया था। देखो, कोई भी चाइल्ड है, ध्यान रखना ये जो एक्ट है ये 18 साल से कम उम्र का चाहे लड़का हो लड़की किसी की मतलब चाइल्ड है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी सेक्सुअल क्राइम हो रहा है या तो सेक्सुअल वायलेंस आप इसे बोल सकते हो या फिर बच्चे को किसी तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है या फिर उसको एक्सप्लोइट किया जा रहा है या फिर उसके साथ चाइल्ड एब्यूज वगैरह अगर कुछ भी ऐसा केस है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए बेसिकली पोस्को एक्ट है वो बनाया गया था। मतलब बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ताकि बच्चों के साथ कोई भी सेक्सुअल वायलेंस नहीं हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसको रोकने के लिए कोई भी ऐसी साइट्स वगैरह नहीं हो जहाँ पे चाइल्ड की जो पोर्नोग्राफी वगैरह वो चल रही हो या फिर उसको प्रमोट किया जा रहा हो या कोई भी ऐसा वीडियो जहाँ पे बच्चे के साथ कोई भी मतलब हरासमेंट किया जा रहा हो या फिर उसको एक्सप्लोइट किया जा रहा हो या फिर चाइल्ड अब्यूज के कुछ भी केसेस हो उन सबसे निपटने के लिए पोस्को एक्ट है वो लाया गया था। बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए ताकि सेक्सुअल क्राइम उनके अगेंस्ट ना हो सके।
तो अभी देखो इसमें न्यूज ये आई है कि लो मिनिस्ट्री ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस है वो किया है, कुछ क्लेरिफाई है वो किया है। इसका देखो जो पोस्ट ग्रेजुएट का सेक्शन 19 है ना, सेक्शन 19, उसमें बेसिकली कोई भी टाइम लिमिट के बारे में नहीं कहा गया है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी क्राइम होता है इस तरीके का, कोई सेक्सुअल हरासमेंट या एक्सप्लोटेशन वगैरह का, तो वो कभी भी उसके बारे में एक तरीके से रिपोर्ट वो दर्ज करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ क्राइम, से एग्जाम्पल ले लें कि 2010 में उसके साथ कोई भी एक तरीके से हरासमेंट हुआ या चाइल्ड एब्यूज वगैरह हुआ, और वो उसको जरूरी नहीं है कि वो 2010 में दर्ज करवाए 11 में। अगर वो बच्चा अब मेच्योर हो गया है, मतलब एडल्ट हो गया है, मतलब कि 18 प्लस हो गया है, तो उसके बाद भी वो उसके बारे में रिपोर्ट वो दर्ज करवा सकता है। क्यों? क्योंकि लो मिनिस्ट्री ने से ऐसा अमेंडमेंट इसलिए किया है क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं छोटे, उनको पता नहीं होता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो जब वो एडल्ट होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ यार हमारे साथ हरासमेंट हुआ, हमारे साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए वो एक्चुअली रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। तो जो टाइम लिमिट थी उसको बेसिकली सेक्शन 19 में हटाया वो गया, मतलब टाइम लिमिट इसमें है नहीं बेसिकली, उसको लेके भी गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई है, लो मिनिस्ट्री ने वो किया है कि कोई भी टाइम लिमिट है रिपोर्टिंग क्राइम्स के अगेंस्ट पोस्ट के तहत, उसकी कोई प्रावधान नहीं है। बाकी जैसे कि देखो सब केसेस में अलग अलग टाइम लिमिट होती है, कि इस केस में आपको 3 साल के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है, 1 साल के अंदर, वैसे वैसे, तो इसमें कुछ भी प्रावधान नहीं है, जब मर्जी हो तब भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो चाइल्ड है वो 0 से 18 एज तक काउंट है वो यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आस दिशा के बारे में। देखो जो आस दिशा है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से हम बहुत कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर टाइप का है, जिस तरीके से देखो व्हाट्सएप वगैरह होते हैं उसी टाइप का काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली है लॉन्च किया है IRCTC, जो कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके द्वारा लॉन्च है वो किया गया। इसमें बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि AI का यूज है वो बेसिकली किया गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है वो यहाँ पे किया गया है। ये एक तरह का चैट बोर्ड है। देखो जब भी हम कई बार से कोई भी साइट वगैरह खोलते हैं तो एक साइड में ऐसे कॉर्नर में वहां पे हमें एक चैटबोर्ड मिलता है कि हाउ मे आई हेल्प यू, तो वहां पे हम कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो हमें रिप्लाई मिलता है। तो सेम उसी काइंड का ये एप्लीकेशन है, वो बनाया गया है IRCTC के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखो बात ऐसी है कि जब भी कई बार पैसेंजर होते हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो कॉल वगैरह में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए वो उनके कोई भी जो बेसिक क्यूरीज होती हैं उनके बारे में वो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनको सॉल्यूशन वो कंप्यूटर के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये आस दिशा में ध्यान रखना है कि इंडियन रेलवे के अंदर जो IRCTC है उसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया एक चैट बोर्ड है, मतलब यहाँ पे चैटिंग वगैरह की जा सकती है, आपको कोई भी क्वेश्चंस डाउट है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो रिलेटेड, और तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएंगी। दिशा का मतलब यहाँ पे है कि डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम, मतलब आपको कहीं भी हेल्प चाहिए किसी टाइप की यहाँ पे, तो डिजिटल तरीके से आपको हेल्प है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरीके का स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम है बेसिकली, जो कि रेलवे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह, जैसे कि टिकट बुकिंग हो गया, वेटिंग लिस्ट वगैरह, कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो आपको तत्काल वगैरह से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है UPI के बारे में। UPI का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी देखो RBI ने लेके इसको कुछ गाइडलाइन वगैरह चेंज है वो की है, तो इस बार UPSC ने यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चंस पूछा भी था इस बार की प्रीलिम्स में, तो हम थोड़ा देखते हैं कि UPI है क्या बेसिकली। देखो UPI है वो एक तरह का पेमेंट इंटरफेस है। देखो हम जैसे आपको बताऊं कि पहले के टाइम पे क्या होता था, आज भी खैर वो चीज कंटिन्यू है कि अगर किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करने से, बैंक अकाउंट वगैरह से या नेट बैंकिंग से, तो उसको या तो NEFT यूज करना होता था या फिर उसको RTGS या फिर उसको IMPS, 3 मेथड होते थे। तो इसके अंदर पहले आप जो भी बेनिफिशियरी उसको एड ग्रो फी ट्रांसफर करने में थोड़ी प्रोसीजर थोड़ी लंबी हो जाती थी। तो अभी क्या क्या गवर्नमेंट के देखो दो यहाँ पे हम बात करें, एक तो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और एक है RBI, इन दोनों ने मिलके UPI का निर्माण है वो किया है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि UPI है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और RBI इन दोनों के द्वारा मिलके बनाया गया है। अब इसमें होगा क्या, इसमें पेमेंट है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने तो बस तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से देखो हम भीम ऐप यूज करते हैं या फिर जो फोन पे वगैरह ऐप है, ऐसे एप्लीकेशन है, इनमें क्या होता है एक अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं तो दूसरे में तुरंत क्रेडिट हो जाते हैं, तो सेम वही उसी वो इसी दर्ज पे काम करता है UPI पे, मतलब वो UPI के आधार पे ही बनाया गया है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जो भीम ऐप है, फोन पे वगैरह है, ये UPI के ऊपर ही काम है वो करते हैं, मतलब UPI जो प्लेटफॉर्म है एक तरीके से उसके ऊपर बेसिकली एक तरीके से काम है वो कर रहे हैं, UPI के थ्रू पैसा वो ट्रांसफर किया जाता है। तो हमें एक तो यहाँ पे फैक्ट ये ध्यान रखना है कि यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है वो बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और RBI इन दोनों के द्वारा बनाया गया है।
काम क्या है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए बेसिकली यूज वो किया जाता है, और बेसिकली जो मर्चेंट वगैरह है नॉर्मल कोई भी लोग इसको यूज है वो कर सकते हैं, कोई चार्जेस वगैरह इसमें नहीं पे करने होते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम बात करें, हाँ सॉरी, इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है इसने NEFT, RTGS और IMPS है इनकी मतलब डिमांड को कम कर दिया है, क्योंकि अब किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने हो तो तुरंत वो UPI के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है ISEC यानी कि इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। तो देखो सबसे पहली बात तो है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, अब देख के लग रहा होगा क्या देखो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो सकती है या फिर लग रहा होगा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, तो जी हाँ पे बेसिकली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और कई बार लगता है कि यार एक्सपोर्ट का है तो हो सकता है कि मतलब कॉमर्शियल जो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है उसके अंदर भी हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है वो बनाया गया था। थोड़ा पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। ISEPC इसको बेसिकली देखो 1983 में एक कंपनी एक्ट के तहत पे बनाया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे, मतलब यह नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे बेसिकली काम है वो करती है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बेसिकली है वो आती है। 1983 में इसका निर्माण है वो किया गया था कंपनीज एक्ट के तहत, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। अब इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि इंडिया में जो भी सिल्क होता है उसके जो भी कपड़े कुछ भी बन रहा है उसका, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए देखो गवर्नमेंट ऑफ बहुत सामदाम दंड वेद का यूज है वो करती है, तो उसके लिए पॉलिसी वगैरह बनाना, अट्रैक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए ताकि जो बाहर की कंट्रीज है वो इंडिया के सिल्क प्रोडक्ट को खरीद सकें, इसके साथ ही इंडिया में भी सिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके, जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पॉलिसी वगैरह बनाने में हेल्पफुल वो रहती है, इसके साथ ही लोगों को रोजगार वगैरह प्रोवाइड कराने में भी काफी सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट है सिल्क इंडस्ट्री का उसको बढ़ाती है, इसके साथ ही जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होगी इंडियन सिल्क इंडस्ट्री में उनको क्रिएट करने में काफी, जैसे कि जगह जगह प्रदर्शनी लगाना, अदर फॉरेन कंट्रीज में जाके छोटे छोटे आप एक तरीके से स्टॉल वगैरह लगा के अवेयर करना, वहां पे इंडिया के सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। हम बात करें इंडिया सिल्क इंडस्ट्री की, तो देखो इंडिया की जो सिल्क इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सिल्क इंडस्ट्री है, मतलब इंडिया है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है, और यहाँ पे बात करें लोगों को रोजगार की तो हमारे देश की जो सिल्क इंडस्ट्री है उसने लगभग 8 मिलियन लोगों को रोजगार है वो दे रखा है, मतलब इतने ज्यादा लोगों को रोजगार इसने दे रखा है, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है कि अभी रिसेंटली IISF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर है उसका 6th एडिशन है वो ISEPC के द्वारा ऑर्गेनाइज है वो किया गया था, यानी एक बार हम दोबारा बताऊं आपको कि इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर है उसका 6th जो एडिशन है वो इंडिया सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा न्यू दिल्ली में भी आयोजित वो किया जा रहा है। इसमें होगा क्या, इस फेयर के अंदर बेसिकली इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं वो अपने सिल्क की जो क्वालिटी है जो सिल्क प्रोडक्ट है उनके बारे में प्रदर्शनी वगैरह लगाएंगे, तो फॉरेन के जो अलग अलग कंट्रीज फॉरेन जो कंट्रीज होगी उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं जो बिजनेस ग्रुप हैं वो यहाँ पे आके चीजों को मतलब एक तरीके से परचेज कर सकते हैं या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट है वो कर सकते हैं, तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब देखो आज का एक क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है बेसिकली आज का क्वेश्चन आपके सामने, वो क्वेश्चन है वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसके जो चेयर मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसके चेयरमैन, ये इसका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस है वो करती है नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में, मतलब देश की सुरक्षा के बारे में और जो भी रणनीति है इंटरेस्ट है इसके बारे में बेसिकली एडवाइस देने का काम है वो करती है। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है और जो गलत है उसको आपको सही करके कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो आज से हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, डेली की जैसे हमारी डिस्कशन है इसमें हम जो करंट अफेयर उसको डिस्कस करते हैं, तो क्यों ना हम एक टेलीग्राम पे ग्रुप है या फेसबुक पे ग्रुप बना के वहां पे हम डेली 2 या 3 क्वेश्चंस है, देखो मैक्सिमम हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चंस भी हो जाएं तो करंट अफेयर पे डिपेंड करता है उनको डिस्कस करें, क्योंकि जब तक देखो हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो चाहे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हो उनको डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस की जो डिमांड होती है वो काफी अलग अलग तरीके से होती है, तो बेटर यह है कि देखो पढ़ने के साथ साथ हमारा रिवीजन होना बहुत जरूरी है, तो क्यों ना हम या तो प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे पॉसिबल है या फिर जो टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन है वहां पे हम डिस्कशन वगैरह
है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपका जो भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उस तरीके से डेली 2, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं उनको डिस्कस कर पाए। और ये कई बार जैसे क्वेश्चंस कम हो तो जैसे सब्जेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, आईआर वगैरह से, तो वहाँ पे से हम करंट अफेयर के क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस है वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप अपना सुझाव दीजिए, इसके बाद में उस तरीके से आगे कंटिन्यू वो करेंगे। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।